डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ फैलसीज के बारे में, और पहले हमने बात की थी कि फैलसीज क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी कि फैलसीज क्या होती है और कई टर्म्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएंगी, आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी लॉजिकल रीजनिंग की हमारी। और आज हम बात करने वाले हैं कि टाइप ऑफ फैलसीज, और इसके अंदर हम बात करेंगे फॉर्मल फैलसीज और इनफॉर्मल फैलसीज की। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमीजनेट है तो जीआरएफ है। तो दोस्तों चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल फैलसीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि औपचारिक मिथ्या क्या होती है। देखिए यहाँ पे हमने हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर दिया हुआ है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। फॉर्मल फैलसीज अगर व्हेन द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो द प्रीमाइसिस, यानी कि जो कंक्लूजन है वो प्रीमाइसिस को फॉलो ना करे, तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मल फैलसीज हमारा होगा। और इसके अंदर देखिए जैसे कि हम बात करें, औपचारिक विसंगतियां तब होती है जब निष्कर्ष आधार का पालन नहीं करता, इन्हें अक्सर गैर अनुक्रमित या निष्कर्ष के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जिसका शुरुआती दावों से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि जो हमारी प्रीमाइसिस होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रीमाइसिस, सभी कुत्ते काले हैं, ठीक है, सभी कुत्ते क्या है, काले हैं। प्रीमाइसिस टू क्या है, सभी बैल काले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला है, सभी बैल कुत्ते हैं। तो इन्होंने इन दोनों से कंक्लूजन निकाल दिया, सभी बैल कुत्ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों कि सभी बैल है वो कुत्ते नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलत तरीके से इसका मतलब निकाला है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मल फैलसीज कहेंगे। और इसके कई तरह के टाइप्स हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और देखिए टाइप ऑफ फॉर्मल फैलसीज, और हर एक टाइप को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ फॉर्मल फैलसीज में सबसे पहले हम बात करते हैं अपील टू प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर कुछ सच होने का दावा किया जाता, संभावना की जाती कि ये सच हो सकता है। अब देखिए आई सी के डार्क क्लाउड ऑन द होरिजन, डार्क क्लाउड मीन रेन, इट गोइंग टू रेन हेयर टूडे, यानी कि ये कह रहा है कि आज हमें आकाश में काले बादल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आज बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ पे क्या है, ये सच होने का कुछ दावा कर रहा है, संभावना यहाँ पे लगाई जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपील टू प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अब की बार मेरा जीआरएफ पक्का हो जाएगा क्योंकि मैंने अब की बार ओल्ड पेपर बहुत अच्छे से किए हैं। अब ये देखिए ये दावा कर रहा है, जीआरएफ पक्का हो जाएगा क्योंकि मैंने अब की बार ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से किए हैं। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ के होने का दावा करते हैं और संभावना लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अपील टू प्रोबेबिलिटी होगा। और आगे हम बात करते हैं बैड रीजन फैलसी, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंक्लूजन गलत निकलता है क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट ही गलत दिया हुआ होता है, जो आर्ग्यूमेंट होता है वो गलत होता है, उससे कंक्लूजन भी फिर गलत निकलता है। और इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि मान के चलिए ये है एग्जांपल दिया हुआ है, गाय हमेशा सफ़ेद होती है इसलिए ये एक भैंस है। अब देखिए इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट क्या दिया है, गाय हमेशा सफ़ेद होती है। अब ये देखिए ये गलत है क्योंकि गाय जो है दोस्तों वो येल्लो भी हो सकती है,
और क्या है कि ब्लैक भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट है वो पहले ही गलत दे दिया कि गाय हमेशा सफ़ेद होती है, इसलिए ये एक भैंस है। तो इसका कंक्लूजन भी क्या है दोस्तों, फिर वो गलत ही निकलेगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट ही इन्होंने गलत दिया हुआ है। और आगे हम बात करते हैं, जैसे एक और है यहाँ पे, ये एक बहुत गरीब है। ये क्या है, बहुत गरीब है, किसी की आर्थिक सहायता नहीं कर सकता, इसलिए ये एक बुरा इंसान है। तो ये देखिए, इन्होंने कहा है कि ये बहुत गरीब है, आर्थिक सहायता नहीं कर सकता, इसलिए ये एक गलत इंसान है। और आगे हम बात करते हैं मास्क्ड मैन फेलसी, मास्क्ड मैन फेलसी, और इसको आल्सो नाउन एज द इंटरनेशनल फेलसी, इट इन्वॉल्व ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज, यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते, उससे हम किसी का अर्थ निकालने की कोशिश करते, दो समान चीज़ें होती, एक जैसी लगती है, उनसे हम अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। यदि दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, समान है, तो तर्क को मान्य माना जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि दो चीज़ें होती है और उसके अंदर हम कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, आप सभी जानते हैं कि ये सोनू सूद है, और सोनू सूद का जो फिल्मों में किरदार है वो नेगेटिव रहता है, ये गुंडे का रोल अपनाते हैं, और लेकिन इन्होंने लॉकडाउन के अंदर बहुत लोगों की हेल्प की थी। तो ये एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे सोनू सूद का फिल्मों में नकारात्मक किरदार है और रियल लाइफ में उन्हें गरीबों की बहुत सहायता की है। अब देखिए यहाँ पे आदमी एक है, ठीक है, आदमी एक है, और लेकिन उसके चेहरे दो है, फिल्मों में चेहरा जो है वो अलग है और लेकिन रियल में उनका चेहरा अलग है। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी मास्क्ड मैन फेलसी यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरह से इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नॉन स्क्वेटर फेलसी, ये फेलसी वेरियन समवन असर्ट ए कंक्लूजन दैट डज नॉट फॉलो फ्रॉम द प्रेपोजिशन, यानी कि जो प्रेपोजिशन को फॉलो ना करे कंक्लूजन। अब देखिए इसके अंदर हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आइसक्रीम खाने से मेरी बेटी बीमार हो गई, इसलिए किसी को भी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आइसक्रीम खाने से बीमार हो जाते हैं। ए फैलसी वेयर समवन असर्ट ए कंक्लूजन दैट डज नॉट फॉलो फ्रॉम द प्रेपोजिशन, जो कि प्रेपोजिशन को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, उसका हम गलत मतलब निकालते। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते कि आइसक्रीम खाने से मेरी बेटी बीमार हो गई, ठीक है, आइसक्रीम खाने से इनकी बेटी बीमार हो गई, इसलिए किसी को भी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। अब देखिए इन्होंने कहा है कि आइसक्रीम खाने से मेरी बेटी बीमार हो गई, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं निकलता ना कि किसी को भी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए क्योंकि आइसक्रीम खाने से बीमार हो जाते हैं। इनकी बेटी बीमार हो गई है, लेकिन हर कोई आइसक्रीम खाने से बीमार हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे जो भी कंक्लूजन निकाला है वो गलत कंक्लूजन निकाला है। तो दोस्तों ये हमारी फॉर्मल फेलसीज के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स थे, आपने पढ़े, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप्स समझ में आ गए होंगे। हमने हिंदी इंग्लिश में और विद पिक्चर आपको एग्जांपल अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आज हम केवल और केवल बात करेंगे फॉर्मल फेलसीज के बारे में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल फेलसीज के बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ जाए। तो दोस्तों आगे वाली वीडियो भी आप अच्छे से देखना ताकि आपको अच्छे से सभी टॉपिक समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।